हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में देखेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाइस, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए, क्योंकि इसमें मैंने जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लिए वो वही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लिए जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होती है। गाइस, बात करते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। तो देखो, इससे ज़्यादा डीपली बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पूछा जाता है, इससे बस नॉर्मल से क्वेश्चंस बनते हैं। नॉर्मल से पूछा जाएगा कि भाई किसी भी आपको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दे देंगे और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में कि होते क्या हैं। तो देखिए, एक डायग्राम के रूप में मैं समझा देती हूँ ये। तो यहाँ मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए, इसमें जो ये सबसे बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो अगर इस एरिया की बात करें तो ये एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जिसे कहते हैं ट्रांजिशन एरिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर रहने वाले लोग और जो बाहर के भी कोई लोग भी इसमें जा सकते हैं, और यहाँ पर रहने वाले लोग और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो किसी भी प्रकार की कैसी भी गतिविधियाँ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, इससे छोटा वाला जो ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या बोलते हैं इसे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे कहते हैं बफर जोन, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो देखो, इसमें जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले एरिया में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ये बायोस्फीयर रिजर्व वाले जो यहाँ के जो लोग होते हैं, एनिमल्स वगैरह होते हैं, वो इसमें नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो किसी भी प्रकार की कुछ भी गतिविधियाँ करें, लाइक कोई खेती बाड़ी वगैरह ये सब नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, मतलब इससे तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इसमें होती हैं। अब ये बात करते हैं, ये जो सबसे छोटा ये एरिया है, ये होता है नेशनल पार्क। ये क्या होता है, नेशनल पार्क ये होते हैं। अब बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो देखो नेशनल पार्क है, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि इसमें क्या होता है, देखो इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें ज़्यादातर बस यही है कि जो एनिमल्स और जो वाइल्ड लाइफ जो होती हैं उनको सुरक्षित इसमें रखा जाता है, ठीक है। और इसमें किसी को भी अलाउ नहीं होता है इसमें जाना, बस कुछ टूरिज्म होते हैं, टूरिज्म को अलाउ होता है, लेकिन टूरिज्म को भी ये नहीं कि इस पूरे एरिया में वो कुछ भी कर सके, नहीं, कुछ कुछ जगह ही अलाउ होता है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें ये देख ली। अगर बात करते इस एरिया की, नेशनल पार्क वाले एरिया की, तो इसको कोर एरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो चलो अभी देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वो। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो देखो, ये काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करें तो ये है आसाम में। कहाँ पे है, आसाम में, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें भी ये शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं सुंदरबंस की बात करते हैं, तो सुंदरबंस नेशनल पार्क है, ये है कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में, और ये भी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, ये है गुजरात में। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये है आसाम के अंदर, कहाँ पे है, आसाम में। नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं पेरियार नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो देखिए पेरियार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, और ये है केरल में है, कहाँ पे, केरला में। और ये जो पेरियार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये ज़्यादातर किसके लिए, ये है एलिफेंट्स के लिए है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो देखो बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करते हैं गाइस, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। देखिए, आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर ट्रिक्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे नामदेव अकेडमी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे स्टैटिक जीके की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें मैंने ये सारे नेशनल पार्क और इनके जो वीडियोज़ डाल रखे हैं ट्रिक के साथ, तो वहाँ आप देख सकते हैं, और उनकी थोड़ी डीपली डिटेल भी मैंने बता रखी है। यहाँ पर तो देखो नॉर्मल बस मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस वही मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है।
तो ये हमने देख लिया कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करी तो ये कहाँ पे, ये है एमपी में। क्योंकि एग्जाम में देखो क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है कि बस ज्यादा डीपली कुछ भी नहीं पूछा जाएगा नेशनल पार्क से, वो आपको बस नाम दे देगा, कह देगा जैसे मान लो कि कान्हा नेशनल पार्क का पूछ लिया तो कह देगा कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, के भाई कहाँ पे है ये कान्हा नेशनल पार्क, तो ये है मध्य प्रदेश में। बस इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं सरिस्का नेशनल, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी बात करते हैं। तो देखिए सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज्यादातर टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर्स के लिए टाइगर्स पाए जाते हैं, और ये है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में है, और राजस्थान में कौन सी जगह? अलवर में है, ठीक है। लेकिन जगह का नाम कोई नहीं पूछता है, बस वो स्टेट का नाम पूछ देगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं इस रणथंभौर की, तो रणथंभौर नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे स्थित है? तो देखो रणथंभौर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये भी है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में ये जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है जिसका दूसरा नाम है क्या है? केवलदेव, जो कि केवलदेव बर्ड सेंचुरी, जो कि क्या है? यूनेस्को, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान के अंदर, राजस्थान में है ये भरतपुर में, ठीक है। तो इसमें बहुत अनेक, बहुत अलग अलग प्रजाति के इसमें बर्ड्स पाए जाते हैं, पक्षी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है कि चिल्का, ये चिल्का बर्ड सेंचुरी की यहाँ बात हो रही है। तो देखो चिल्का बर्ड सेंचुरी की बात करें तो चिल्का बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में है, और इसमें भी अलग अलग प्रजाति के बर्ड्स पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं गाइस, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। तो देखो वाइल्ड एस सेंचुरी की बात की जाए, वाइल्ड एस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करिए आरालम की, तो ये जो आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है? तो देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लो क्योंकि एग्जाम में किसी प्रकार का कुछ भी बन सकता है। तो अगर आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये है केरला में। कहाँ पे? केरल में। अब हम बात कर लेते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क की, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो ये है कर्नाटक में। और नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं नंदन कनन जू की बात करते हैं, तो देखो नंदन कनन जू की बात करें तो ये कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा से बात करें गाइस तो उड़ीसा में जो चिल्का लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं ये गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, तो देखो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। बस बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में देखो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कौन से? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे? उत्तराखंड में है। फिर नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जिसे ये देखो जिम कॉर्बेट नाम से भी आ जाता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं मधुमलाई नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो देखिए मधुमलाई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मधुमलाई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अब हम बात करते हैं तालचापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो देखो तालचापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये है राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ दिया गया है कि सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो सतपुड़ा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं बालफाक्रम नेशनल पार्क की बात करें, तो देखो बालफाक्रम नेशनल पार्क की बात करें तो ये है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। अब हम नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उड़ीसा में चिल्का लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक नेशनल पार्क, और ये भीतरकनिका नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात की है पिन वैली नेशनल पार्क की बात की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो पिन वैली नेशनल पार्क ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। देखो नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हिंदी में कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं गल्फ ऑफ मनार की बात करते हैं, तो गल्फ ऑफ मनार मरीन नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? तो गल्फ ऑफ मनार मनी गल्फ ऑफ मनार देखो ध्यान दीजिएगा गल्फ ऑफ मनार
मरीन नेशनल पार्क है, ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो ये हमने देख लिया कि गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है संजय गांधी नेशनल पार्क, तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क की, तो देखो गंगोत्री नेशनल पार्क ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब यहाँ पे देखो इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से बिल्कुल बन सकता है, लेकिन आपको अगर सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से याद है तो इजीली क्वेश्चन कर लोगे। देखो क्या है इसमें कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए हरिके वेटलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये है पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। अगर बात करते हैं कालेश्वर नेशनल पार्क की तो ये कहाँ पे? ये है हरियाणा में, ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो देखिए इंद्रावती नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये कहाँ पे? ये है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं देखो दिया गया है ओरेंज नेशनल पार्क, तो ओरेंज नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? तो गाइस इसकी बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है आसाम के अंदर। कहाँ पे है जो ओरेंज नेशनल पार्क है? ये है आसाम में। तो आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो दर्रा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? तो दर्रा नेशनल पार्क की बात करें तो ये है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हेमिस नेशनल पार्क की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। देखो यहाँ नाम से ही थोड़ा जान सकते हो, हेमिस तो नाम से ही थोड़ा लग रहा है कि हाँ भाई जम्मू कश्मीर में होगा। तो हेमिस नेशनल पार्क है ये है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में जो ईस्टर्न लद्दाख रीजन है उसमें ये है। और जो ये अब देखो जम्मू कश्मीर में है तो वहाँ पे बर्फ बर्फ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो स्नो लियोपार्ड वगैरह ये सारे हैं, स्नो बियर्स वगैरह ये सारे वहाँ रखे जाते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं अचानक मार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट बात की गई है कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई है, तो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, और कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो गाइस ये है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट ये बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है कि भाई डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड, कौन सी स्टेट में डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये है झारखंड में। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं चिमिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा भी गया था। तो ये जो चिमिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है केरला में। कहाँ पे? केरल में। अब हम बात कर लेते हैं रेन बेनूर ब्लैक बक सेंचुरी की बात करें, तो देखो रेन बेनूर ब्लैक बक सेंचुरी की बात करें तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगर यहाँ बात की जाए वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट यहाँ देखिए, नेक्स्ट यहाँ दिया गया है नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। अब ये जो नागरहोल नेशनल पार्क है इसको दूसरे नाम से कहते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो देखिए राजीव गांधी नेशनल पार्क आ जाए चाहे नागरहोल नेशनल पार्क आ जाए, दोनों एक ही बात है, तो ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट यहाँ देखिए, नेक्स्ट यहाँ दिया गया है माउंट हैरिट नेशनल पार्क, तो ये है अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है माउंट आबू, तो देखो माउंट आबू के नाम से ही पता चल रहा है कि ये माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये है माउंट आबू में है, और कहाँ पे? राजस्थान में है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ दिया गया है हमें नटंगी नेशनल पार्क, तो ये देखो नटंगी नेशनल पार्क की बात करें तो ये है नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। तो देखो इसको किस तरह से याद करना, नटंगी नेशनल पार्क दे रखा है, तो भाई नटंकी नेशनल पार्क किस से स्टार्ट हो रहा है? एन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एन से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी देखो जी भी आ रहा है, इसमें भी जी आ रहा है, तो जहाँ पे भी ऐसा कुछ दिखे तो वो है नागालैंड में। इस तरह से कैसे भी करके बस ये याद रखना है, आप अपनी तरफ से कुछ भी टूटी फूटी ट्रिक बनाओ कैसे भी करो, तो वो चीज़ें बस ये याद होनी चाहिए। और बाकी मतलब कि इनकी नेशनल पार्क्स की मैंने ट्रिक डाल रखी हैं हमारे जो स्टैटिक जीके का जो प्लेलिस्ट है, में स्टैटिक जीके का है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है छेंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यहाँ बात की गई है गाइस, तो छेंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर यहाँ बात करते हैं तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो छेंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का देख लिया जम्मू कश्मीर में। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही, और ये सारे जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताएं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैंने लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
जिनके पूरे पूरे चांस है एग्जाम में पूछे जाने के लिए। तो अगर ये चीज़ें आप याद कर लेते हो किसी भी तरह, अगर एक बार भी याद नहीं होती तो फिर से आप वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी चीज़ डिस्कस करने से याद होती है, तो कानों में ये चीज़ें पड़ेंगी तो ईजिली आपको याद हो जाएंगे और ऑप्शन देख के ईजिली आप टिक कर पाओगे। तो डेफिनेटली इससे आपके एक से दो क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, और ये जो मैंने बताया जितने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनसे ये डेफिनेटली पड़ जाएंगे। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जितना हो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की बात करें तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।